हाँ अंकल जी, आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हो और आपको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? और ये जो काम करवाया जा रहा है किसका काम है, क्या बन रहा है यहाँ पर? ये मुझे जी आ रहे थे 7 महीने करीबन हो चुके काम। ये होटल बनाया बच्चों के अकेडमी है पीछे पिछली साइड में। ये जो मान्य हमारे पहलवान खलीजी है उनका ये काम चल रहा है। चलो, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर जो काम करते हुए? लग रहा है तबियत कर रही काम करने को। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील, अच्छा आपको यहाँ पर जो आते हुए जो काम कर रहे हो यहाँ पर, वैसे पहली बात हुई कि काम किसका चल रहा है यहाँ पर? काम साहब का चल रहा है, एकेडमी बन रही है यहाँ पे। अच्छा, एकेडमी बन रही है। तो आपको यहाँ कितना टाइम हो गया यहाँ आकर? आपको यहाँ पर 1 साल हो गया, हमने काम शुरू किया है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ काम करते हुए? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो जो यहाँ पर है बन क्या रहा है यहाँ पर? जो एकेडमी बन रही है और क्या कुछ बन रहा है यहाँ पर? एकेडमी बन रही है और ये खली साहब की जिम है, होटल है यहाँ पर जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है। अभी कल हमने लेंटर भी डाला है यहाँ पर, अभी थोड़े दिन में शुरू हो जाएगा। अच्छा, खली साहब की एकेडमी, जिम, होटल और ये जो रेसलिंग सिखाते हैं यहाँ पर, रेसलिंग भी सिखाई जाएगी। तो जैसे किसी को बाहर जाना है तो बाहर भी जा सकता है, वो आकर यहाँ पर सीख सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब जो इनके थ्रू अभी इंटरनेशनल रेसलर है, शैंकी हो गया, सुखी हो गया, कविता दलाल है, इन्हीं की तरह अगर किसी का सपना है तो वो भी यहाँ आकर मतलब ट्रेनिंग सेंटर में, CW की ट्रेनिंग सेंटर में जो एकेडमी बनाई इन्होंने जलंधर में और अभी हरियाणा में बड़े लेवल में बन रही है, तो यहाँ स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि जो नशे की ओर भाग रहे उसकी बजाय जो रेसलिंग की एक भूख होती है उसको रखें और अपने भारत का नाम, अपने माता पिता का, करनाल का, अपने एरिया का मतलब रोशन करें, ये कहना चाहते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है जी। आजकल नशा ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में, इंडिया में, इसलिए तो ये खली साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे बनाकर जो आसपास के गांव है जैसे नीलो खेड़ी हो या करनाल कुशेत्र पीपली, ये नज़दीक के गाँव है जो शहर है, तो यहाँ पर आकर सीख सकते हैं, बहुत अच्छा सीखने को भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब ये कि लोग बाहर जाकर अपना पैसा जो वेस्ट करते हैं तो वो इनको इंडिया में ही फैसिलिटी मिल रही है। चलो ठीक है, थैंक यू।